वाहिगुरू चुके ने बाबा जी इंतजार भी किया कि शायद गल बन जे, पर अज मैं दस्तावेज समेत आया। कुछ लोग ऐसे ने जो गल नहीं बन देना चाहते, जो नहीं चाहते विकास होवे, जो नहीं चाहते कि आम घरां दे धीआं पुत्त पढ़ लिख के अफसर बन जान, डॉक्टर बन जान। संत अतर सिंह स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मस्तूना साहब जिथे आप बैठे हैं, टोटल 460 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। मैं सारा डिटेल देना। 25 एकड़ लैंड जी है वो अंगीठा साहब गुरुद्वारा साहब के ट्रस्ट ने सामने दी। 460 बैड ने हॉस्पिटल, 330 पहले साल से, बाकी जो सैकेंड ईयर स्थापित होने। 23/5/2022 में 23 मई 2022 में रजिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड एजुकेशन के नाते होगी। डॉक्टर विशाल चोपड़ा नूं असीं डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ दिस इंस्टीट्यूट अपॉइंट भी करता 1/7/2022। 5/8/2022 में इत्थे तुसीं सी, यही कैमरे सी तुहाडे ते आपां ने यह ऐलान करता कि पहला सेमेस्टर 1 मार्च तो शुरू होगा। उस तो बाद असीं अप्रूवल वास्ते एक एप्लीकेशन संत अतर सिंह स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंसेज मस्तूना साहब अभी सबमिट करती नैशनल मैडिकल कौंसल कमिशन NMC 9/8/2022 ਨੂੰ 100 MBBS सीटा वास्ते असी अप्रूव करके इथों भेज। इस तो SGPC ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ है। SGPC 23/8/2022 ਨੂੰ ਸਟੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀन ਸਾਡੀ ਇਹ ਦਾਨ नहीं दी जा सकती, या इस तरह का उन्होंने कोई पॉइंट रखे। तरीक पैंदी गई, असी भी अपने वालों वकील भेजते गए, कोशिशां भी करते रहे कि बन लैन दो, नहीं जी। हुण जिहड़ी अगली डेट है 6/2/2023 है। दुख नाल दसणा पै रहा कि हुण तक जे वो किते सच्ची नीयत हुंदी उन्हां दी तो 70% कालज बनाया होंदा सी ते 1 मार्च नूं चलिया होना सी पहला समैसटर। हुण साडा पहला समैसटर इन्हां ने खत्म कर दित्ता। तुहानूं याद होना उस दिन तुसीं मैनूं सवाल पुछिया सी भी परमिंदर ढींडसा कहंदा भी बनना नहीं। सही गल सी, उन्हां नूं पता सी असीं बन देना नहीं। ये नहीं चाहुंदे कि साडे इलाके दे लोग पढ़ लिख जाण, साडे इलाके दे बच्चे पढ़ लिख जाण। लोग इन ढींडसा परिवार नूं बुरी तरह हराया संगरूर दे लोकां ने। वो हार दा बदला लेना चाहुंदे आ कि असीं तुहाडे जवाकां नूं पढ़ नहीं देना। बहुत सारे पिंडां दे बाहर बैठे ने, बहुत सारे पिंडां दे लोकां ने धरना लाया कि जी कालज बन लैण दो, रोको ना। धरना तुसीं रिवर्स तरीके नाल देखदे होवोगे जी, काम करा दो साडा। इत्थे लोक कहंदे काम हो लैण दो जी। कौन जिम्मेवार है? ढींडसा परिवार। मैं नाम लेके कह रहा क्योंकि उन्होंने यह है कि मस्तूआना साहब दे विच साडा कब्जा है। जे कोई होर इत्थे आ गया, इत्थे तां रोजगार मिलूगा लोकां नूं, इत्थे डॉक्टरां दे रहण वास्ते अकोमोडेशन संगरूर इन्ना डिवेलप हो जाऊगा। इत्थे 300 बैड का हॉस्पिटल नाल बनाउणा पैंदा, क्लॉज है अपना जिहड़ा सिविल हॉस्पिटल वो अपग्रेड हो जाऊगा। नर्सिंग कॉलेज वास्ते असी सारा कुछ पैसे जारी, मेरे को पैसे की लिस्ट भी है किन्ने जारी करते। असी 7,80,97,000 जो नर्सिंग कॉलेज वास्ते जारी करता जी, अप्रूव्ड। फिर जी असी 49,98,76,000 रुपया बॉयज एंड गर्ल्स होस्टल इस कॉलेज दे विच उहदे वास्ते जारी करता, बट की लिखा हुआ है अप्रूवल पेंडिंग ड्यू टू स्टे। इना करके सो मैं एसजीपीसी नूं भी कहना कि बनाने तो तुसीं सी कॉलेज ये, ते सानू बने बनाया भी रोकदे हो। ते वैसे तो ढींढसा साहब कहंदे ने मैं असूलों करके अलग होया अकाली दल तों, इहो जिहे मौके ते असूल इकट्ठे हो गए फिर हुण इकट्ठे ने। सुखबीर बादल जी दसन कि कॉलेज क्यों नहीं बंड दिंदे हो। सुखबीर बादल जी ये ना कहना अज डिबेट दे विच जाके जा उन्हां दा कोई जिहड़ा कोई भेजदे ने हो अपने कि नहीं जी ये तो धार्मिक संस्था साडा कोई लेना देना नहीं। सुखबीर बादल महीना डेढ़ महीना पहला किवें भज्जे फिरदे सी एसजीपीसी वास्ते, सारी राजनीतिक ताकत झोंकती सी एसजीपीसी वास्ते, ते जदों बारी आउंदी है भी ऐ उदों कहंदे धार्मिक संस्था है, ते जदों परिवार ते कोई संकट आ जांदा उदों कहंदे असीं धार्मिक हां। असीं विच ही अकाली दल तां बचूगा जे श्रोमणी कमेटी बचूगी, श्रोमणी कमेटी तां बचूगी जे अकाली दल बचूगा। ते हुण जवाब देण इह क्यों नहीं बन दिता इन्होंने कॉलेज। ये कॉलेज तो बनाऊंगा मैं, ये फिक्र ना करना लोग, इस गल का कोई फिक्र ना करना पता नहीं की हो जाऊगा। कॉलेज बनूंगा संगरूर दे आले दुआले बनूंगा, मैं कितों 20 एकड़ 25 एकड़ मैनूं कोई होर दे दूगा। मैं कोई इत्थे कोई माफिया नहीं पालना भी ये मेरी जमीन है, जो मेरे चाचे की जमीन है, जो मैं पहला खरीद के देती जिवें इन्हां ने कह करदे हुंदे सी। मैनूं तां 20-25 एकड़ कितों होर पंचायत वालों मिल जूगी, कॉलेज बनूगा। पर इन्हां दा असली चेहरा सामने आ गया, लोग इन्हां नूं पुछण जदों ये आउणगे, जदों अकाली दल वाले जाणगे तुसीं संगरूर वाला कॉलेज क्यों नहीं बन दिता, जबकि असीं पैसे जारी कर रहे हां। साडे वल्लों कोई कमी नहीं, 1 मार्च नूं पहला समैस्टर चलाउणा सी। इस तों बाद असीं हुशियारपुर दा ते कपूरथले दा कॉलेज दा उदघाटन करता, उत्थे नक्शे पास हो गए, सब कुछ हो गया, काम चलण लग्गिआ, क्योंकि उत्थे ये नहीं हैगे विच। सो ये संगरूर जिले दे, मानसा दे, बरनाले दे, धूरी मलेरकोटला आले दुआले दे किन्ने लखां लोकां नाल इन्हां ने धोखा कीता। इत्थे किन्ना इनडायरैक्ट ते डायरैक्ट रोजगार मिलना सी, पर नहीं धरना दे के रखिआ लोकां ने। हुण भी चल रिहा जमीन कहंदे साडी, बाबा जी कोले जमीन दे कुछ कागज़ ने, बाबा जी जमीन का तुसीं फर्द दिखाओ। कोई इन्हां दा नाम बोलदा किते। मालक दे नां बेरवे समेत मैडिकल सिक्ख्या अते खोज विभाग पंजाब सरकार आ चढ़ गई जी। आ गुरुद्वारा साहब रकबा बहादुरपुर, गुरुद्वारा गीठा साहब जी, सचखंड साहिब, मस्तुआना साहिब, किते कोई एसजीपीसी का लेना देना नहीं। बस यही दिक्कत है कि इत्थे जे कॉलेज बन गया तो पिंडां दे लोग अपने धियां पुत्तां नूं इत्थे पढ़ाउणगे, डॉक्टर बनाउणगे, उन्हां नूं यूक्रेन जा किते होर धक्के खाण दी लोड़ नहीं पैणी। फिर तां गलत गल हो जूगी। फिर मैं हजे भी ये कहना परमिंदर ढींडसा जी, सुखदेव ढींडसा जी, सुखबीर बादल जी, जे थानू ये चाह है कि नींह पत्थर ते तुहाडा नाम नहीं लिखिआ जाना, तुसीं आपदे नाम लिख लो। मैनू पत्थरां ते नाम लिखाउण दा कोई शौक नहीं, पर कालेज बन लेगा तुहाडे नाम लिख दिंदे हां, किहड़ी गल है, क्योंकि इन्हां दे नाम लोकां ने लिखणे बंद करते ना। ये उसे गल दा बदल लैंदे लोकां तों। और हजारां लोग ने काम छड्ड के बैठे ठंड च, उन्हां दे धीआं पुत्तां नूं एडमिशनां मिलणीआं। असीं इस एरिए दा कोटा रखना कि संगरूर जिले दे इन्ने होणगे बच्चे, और दूरों दूरों डॉक्टर होणे, और 2040 का हस्पताल बनाउणा चाहुंदे। असीं इन्ना सोहना नक्शा बनाया सी, देखिआ होणा तुसीं। सो अज SGPC का चेहरा सामने आया, सुखबीर बादल का चेहरा सामने आया, ढींडसा परिवार की आपस के काम रोकने लई बहुत कमाल की संधि इन्हां दे सामने आई है। कट्ठे धरने ते बहिंदे जी। सो साडे कोले कागज ने, जो मर्जी कागज ले लिओ, साडे कोले प्रूवलां ने गौरमेंट दियां। सब तो पहला मैं यही बनाना चाहुंदा सी क्योंकि इत्थों दे लोकां ने पहला मैनूं पार्लीमेंट भेजिया। आ स्टे है इन्हां दी, भाई वो तो स्टे दा ही अगली तरीक दे दांगे, अगली तरीक दे दांगे, अगली तरीक दे दांगे करी जांदे आ। फिर तो समैसटर का टाइम लंघ गया साडा। फिर दोबारा कहना 460 करोड़ का प्रोजैक्ट जिस चो ज्यादातर असीं जारी कर चुके सीगे कि आपां चला लेना है क्योंकि इस इलाके च मैडिकल कॉलेज की कमी है। दूरों दूरों डॉक्टर आने सी, इत्थे होस्टल बनने सी, इत्थे अपार्टमेंट बनने सी, इत्थे डॉक्टरां दे रहण लई अकोमोडेशन चाहीदी सी, विद्यार्थी आने सी, किन्ने लोगों ने इत्थों इलाज करा के जाना सी, मुफ्त विच रिसर्च होनी सी क्योंकि रिसर्च सेंटर भी नाल ही है। पर ये कहते नहीं होने देना, इस करके तो फिर लोगों ने इन्हों धरती दिखाई है। पर फिर भी कहते जिथे जिथे साढ़े चलती है उत्थे तो नहीं होने देंगे, गलत गल है। इस वास्ते मैं लोगों की कचहरी च मामला लेके आना कि जदों भी अकाली दल किते भी आए, किते भी कोई अकाली दल का नुमाइंदा तुहाडे कोल आवे, तुसीं उहनूं इह पुछ लेना कि संत अत्तर सिंह मैडिकल कॉलेज मस्तूआना तुसीं क्यों नहीं बन दिंदे, जबकि जमीन ते किते भी तुहाडा नां नहीं, कोई फर्द नहीं, कुछ नहीं। तुहानूं की दिक्कत है कि पंजाब दे विच मैडिकल कॉलेज बन जे? असीं तां 16 मैडिकल कॉलेज बनाउणे ने, उह चों मलेरकोटला भी एक कम्यूनिटी कॉलेज है, कलानौर भी एक कम्यूनिटी कॉलेज है, सेंटर वल्लों सानूं मदद आ रही है। मैं नहीं चाहुंदा कि 1 रुपया भी सेंटर वल्लों भी आवे ते पंजाब वास्ते ते वापस जावे। इस तो पहला हुंदा रहा 90 पैसे सेंटर पा रही, 10 पैसे असीं पाने ने, 10 पैसे पंजाब सरकार ने नहीं पाए, 90 पैसे वापस चले गए। असीं कोई भी स्कीम इदां दी कोलैप्स नहीं होण दिंदे कि जी चप्पां नूं पैसे पाने पैण। वित्त मंत्री साहब बैठे ने। सो असीं हुण तक बिजली दे बिल जिहड़े ने 87% लोकां नूं फ्री करते, बिजली दी पैदावार 83% वधाती, 7 साल तो बंद पई कोले की माइन चला ली, कोला आम हो गया, 21,000 तो वध नौकरियां देती, आने वाले दिनों हजारों की गिनती होर नियुक्ति पत्र वंडे जाएंगे। मुहल्ला क्लीनिक 26 जनवरी को 350 तो वध मुहल्ला क्लीनिक 26 जनवरी को, 31 मार्च तक 700 के नेड़े-तेड़े मुहल्ला क्लीनिक होर बन जाएंगे। पिंडां च भी, छाजली भी आऊ, महला चौक भी आऊ, ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਚਲੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾ ਨੇ वो ही नहीं चाहते कि इस तरह की कोई डिवेलपमेंट पंजाब च होवे जिहड़ी आम घरां दे जम्मे हुए धीआं पुत्तां दे नाल लग जे। इस करके क्योंकि सरकार बहुत वधिया चल रही है, लोगों को फायदे पहुँचने शुरू हो गए। 9.5 महीनों के विच रंगले पंजाब की झलक दिखनी शुरू होगी, 2023 च चमक दिखनी शुरू हो जाऊगी। तो फिर ये चाहे कोई जगराता होवे, चाहे कोई अखंड पाठ साहब होवे, चाहे कोई अखां दा कैंप होवे, चाहे पार्लीमेंट होवे, चाहे कोई खूनदान कैंप होवे, सारे जाने रल के मैनूं गालां देण लग जांदे। मैं की बिगाड़ता जी पंजाब दा? हजे जिहड़े इन्हां दे मैं किस्से खोलण लग्गिया हजे तां कुछ भी नहीं हैगा। तुसीं देखो सी अग्गे हुंदा की है। हजे तां चन्नी साहब दा सिर्फ चाह पानी का खर्चा ही देखा आप, हजे अगे देखो होंदा की है, ठीक है ना। हजे तो चाह कचोरिया थालियां दी रेट निकले ने, जिहड़े होर बड़े बड़े रेट ने वह भी निकलणगे। इस करके मैं बतौर मुख्य मंत्री पंजाबियों नाल वादा करदा, जिन्ना विश्वास उन्होंने मेरे ते कीता ये तो वध कुछ नहीं हो सकता। ये तो वध बंदे नूं कुछ नहीं चाहिए होंदा कि इन्ना प्यार लोगों का इस जन्म च मिल जे, कई जन्म लग जाएंगे धन्नवाद करते करते। पर मैं विश्वास टुटन नहीं देना। 1 रुपया भी जो पहला भी खादा वह हिसाब लिया जाऊगा, उन्होंने खजाने च लिया जाऊगा, खजाने का मूँह पब्लिक वाल खोले जाऊगा। ये अज मैं तुहाडे नाल गलबात करना आया। तो नवे साल दियां तुहानूं फिर एक बार बहुत बहुत मुबारकां। और नवे साल च परमात्मा करे सानूं इहो जिही दिक्कतां ना आउण, परमात्मा इन्हां नूं भी समत बख्शे, इन्हां नूं भी बुद्धि बख्शे कि हो लैण दो काम, क्यों डिक्का बनदे हो। सो मैं तो इन्हां वास्ते भी अरदास करदा कि अपना आत्म मंथन करो। क्यों लोगों ने तुहानूं अपने दिलों चों कढिया, क्यों लोगों ने तुहानूं कुर्सियां तो लाहिया। आत्म मंथन करो, ना कि किसी ते कोई आलोचना, कोई बूट किन्ने दे ने, भगवंत मान तुरदा है क्यों है। सो ये इन्हां कोल कोई मुद्दा है नहीं। हुण सो ये बौखलाहट है, मैं भी जानदा क्योंकि मैं पिंडां चों आया होया। अज मैं सतौज पिंड मिट्टी नूं मत्था टेक के आया। मैनूं भी पता है कि दीवा बुझण तो पहलां फट 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 करदा हुंदा है। ये सारे हुण बुझदे दीवे ने। चन्नी मानसा चन्नी ने